राजी हुई तुम ये करने के लिए? ए वतन नाबाद रहे तू। Rarely comes a film where a female actress is the main protagonist और जो इतनी बड़ी सक्सेस हुई है। एक हिंदी फिल्म जिसकी लीड एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो इतने पैसे कमाए, तो इस फिल्म को एनालाइज करना लाजमी है क्योंकि हमारी बीवी का नाम आसमी है। बेस्ड ऑन हरिंदर एस सिकाज नॉवल कॉलिंग सहमत, जो एक ट्रू स्टोरी है, आलिया भट्ट लीड्स दिस फिल्म ब्यूटीफुली व्हिच इज डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोई इनाम कोई मेडल नहीं मिलता, हम उनका नाम तक नहीं जानते ना ही उन्हें पहचानते हैं, सिर्फ वतन के झंडे पर अपनी याद छोड़ जाते हैं। हरिंदर एस सिक्का को दो बार पाकिस्तान जाना पड़ा टू गैदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन एंड टू फाइंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ स्टोरी। सैडली रियल सहमत, जिन पर यह कहानी आधारित है, पास्ट अवे जस्ट अ मंथ प्रायर टू द फिल्म्स रिलीज। उनका तो असली नाम भी सहमत नहीं है। हालांकि कैरेक्टर का नाम सहमत है, लेकिन उनकी असली आइडेंटिटी को अब तक गुप्त रखा गया है, शायद जल्दी रिवील कर दें। एक फूल, एक चूक हुई और तुम्हारी लाश जमीन पर पड़ी होगी। Is it true कि ये फिल्म की कहानी is based on valuable information that resulted in the protection of INS Vikrant, which was the only flight carrier of India? देखिए, सहमत की बताई हुई इंफॉर्मेशन की वजह से ही PNS गाजी was intercepted and destroyed in विशाखापट्टनम। तो यू भी कहा जा सकता है कि राजी is the prequel to the national award winning film गाजी अटैक, जो इत्तेफाकन करण जौहर ने ही प्रेजेंट की थी। जब फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो रियल सहमत को कंसल्ट किया। पार्शियली शी वॉज इन्वॉल्व्ड क्योंकि शी वांटेड टू नो, शी वॉज क्यूरियस कि उनका कैरेक्टर कौन निभाएगा बड़े पर्दे पर। मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, बेटी है तुम्हारी हिदायत, एक हिंदुस्तानी पहल है। और ऑथेंटिक लगने के लिए आलिया भट्ट ने मॉर्स कोड की भी ट्रेनिंग ली। फिल्म के लोकेशंस कश्मीर, पंजाब एंड मुंबई। नाउ रावलपिंडी रिक्रिएट करने के लिए पंजाब के मल्लर कोटला के बिजी सड़क पर सेट बनाया गया। इनफैक्ट सेट नहीं, वो एक मेन रोड था जहां की दुकानों पर के बोर्ड जो हैं, उन्हें 1971 का लुक देने के लिए हैंड पेंटेड किया गया। मानना पड़ेगा प्रोडक्शन डिजाइन सुब्रता चक्रवर्ती, इम्पेकेबल वर्क। सैयद ब्रिगेडियर, जिनका घर है एक्चुअल पाकिस्तान में, वैसी ही एक कोठी आइडेंटिफाई की गई इन पंजाब, और ऐसी एक कोठी बनाई गई मुंबई में। अब जो कोठी के अंदर के सीन थे, देवर शॉट इन मुंबई, और जो बाहर के थे, देवर शॉट इन पंजाब। You know, the actual Sehmat stayed in the same place as Abdul, which was played by R.S. Zakaria in the movie. और वो मरते दम तक वहीं रही थी, because of the guilt, of course. There were vintage cars used from the 70s, जिसकी वजह से 2018 में they had technical issues. The costumes were also fully 70, कि बिल्कुल stereotypical spy का look ना दिया जाए. And the background score was given by the genius Shankar Ehsaan Loy, which gave it a total thriller feel. अब दिल भरो, ये गाना इतना beautifully shot है. गुलजार साहब के lyrics है, बट ए वतन संग बाय अरिजीत सिंह। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। यही गाना बच्चे अपने वतन के लिए गा रहे हैं और आलिया अपने वतन के लिए गा रही है, बट इट्स डन सो ब्यूटीफुली। इस फिल्म की जो संवाद है, डायलॉग्स हैं, वो लिखे हैं मेघना गुलजार ने, और एक से एक बढ़िया डायलॉग। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। You know, the actual Sehmat fell in love with her husband, Iqbal Sayyid, who was played by the immensely talented Vicky Kaushal. Sorry Sehmat, घर वाले भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा वतन है। मैं तो अब वही की हूं जहाँ मेरे घर वाले हैं। Later, she came back to India. She gave birth to a child who later joined the Indian Armed Forces, but she never remarried. Cinematography is by Jay Patel. Capturing Jammu and Kashmir and Patiala is wonderful. Screenplay की अगर बात करें तो बहुत ही क्रिस्प है। थोड़े बहुत फ्लॉज हैं जिन्हें अनदेखा किया जा सकता है। वैसे इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज भी रही मेघना गुलजार एंड ऑल्सो भवानी अय्यर। नितिन बैद की एडिटिंग भी काफी शार्प है, और ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस फिल्म को इस साल के सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। वैसे ये फिल्म जो है, ये टोटली डेडिकेटेड है टू ऑल द अनसंग हीरोज जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी।
Hi you guys, I hope you all enjoyed the episode and if you all did, do not forget to like, share, subscribe and follow. और अगर आपने पिछले हफ्ते के एपिसोड को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट किया हो तो अपने इनबॉक्स चेक कीजिए. हो सकता है आप जीत गए हो मूवी टिकट्स या फिर एंट्री पासेस टू बॉलीवुड पार्क्स दुबई. इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यू कुड विन योरसेल्फ मूवी टिकट्स. ऑल्सो अगर आप यूएई के बाहर है तो आप जीत सकते हो एंट्री टिकट्स फॉर बॉलीवुड पार्क्स दुबई. अगले हफ्ते क्या करेंगे? अरे अगले हफ्ते संजू करेंगे मामू, संजू. कैसा लगा?